हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष दर्शक वर्ग रहा है जो इस तरह की फिल्मों को चलाते रहे हैं। इस जॉनर में फिल्मकार विक्रम भट्ट की पकड़ काफ़ी मजबूत रही है। गुलाम के बाद राज जैसी सुपरहिट हॉरर फिल्म देने वाले विक्रम भट्ट ने राज द मिस्ट्री, कंटिन्यू, राज 3D, राज रिब्यूट, 1920 शापित, हॉन्टेड 3D, गोस्ट क्रीचर 3D जैसी फिल्में देकर हॉरर के सिलसिले को बनाए रखा। अब जब उनकी बेटी कृष्णा भट्ट ने निर्देशन की राह चुनी तो अपने पिता की तरह हॉरर की उसी परंपरा का निर्वाह किया है। और ये कहना गलत ना होगा कि उनकी पहली फिल्म में पिता की छाप साफ नज़र आती है। कहानी की शुरुआत होती है मेघना और अर्जुन के प्रेम प्रसंग से। मेघना की 21वीं सालगिरह है और वो इस बर्थडे पर गिफ्ट के रूप में अपने पिता धीरज से अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को मांगने का मन बना चुकी है। मगर तभी उसकी ज़िंदगी में तूफान आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पिता की आत्महत्या का कारण जानकर वह सदमे में आ जाती है। उसे पता चलता है कि सालों पहले ऐशो आराम के लिए उसकी मां राधिका उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी और पिता की मौत की जिम्मेदार भी उसकी मां ही थी। प्रतिशोध की आग में जलने वाली मेघना अपने पिता की रूह का इस्तेमाल करके अपनी मां राधिका और उसके पति शांतनु और बेटी अदिति की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करने का फैसला लेती है। मेघना इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वह अपनी जिस मां के घर को बर्बाद करने जा रही है उसकी सच्चाई कुछ और है। किसी मासूम पर भूत का साया और फिर उस भूत को भगाने के लिए धार्मिक कर्मकांड हॉरर फिल्मों का सदाबहार फार्मूला रहा है। मगर फिर भूत की शिकार तो मासूम अदिति ही है। मेघना बदला लेने की इस राह पर किस हद तक जाती है? क्या उसे अपनी मां की सच्चाई का पता चल जाता है? इन सवालों का जवाब आपको फिल्म देखने पर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।